हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप सभी का स्वागत हमारे चैनल टेक्निकल शुभम पांडे में। आज मैं बात करने वाला हूँ एमएक्स प्लेयर में आपके जो पर्सनल वीडियो पड़े हैं आप उन्हें हाइड कैसे करेंगे। जो आपके प्राइवेट वीडियो होते हैं वो एमएक्स प्लेयर में पड़े होते हैं। आपका फ्रेंड कोई आपका अगर मोबाइल लेता है और वो एमएक्स प्लेयर ओपन करता है तो उसमें जो भी आपके पर्सनल वीडियो पड़े हैं वो देख लेता है। तो आप अपने पर्सनल वीडियो हाइड रखना चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो आप ये कैसे करेंगे, वो भी बिना किसी ऐप के। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे एमएक्स प्लेयर में। एमएक्स प्लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी वीडियो पड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ पर दो वीडियो पड़े हुए हैं, तो हम इस पर क्या करेंगे ये देखिए जो नीचे वाला हमारा वीडियो है इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा पेंसिल, तो मैं पेंसिल पर क्लिक करूँगा। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं आपको टाइप करना, सिर्फ आपको यहाँ पर डॉट लिखनी है। डॉट लिखने के बाद आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखिए अब ये जो ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है ये डॉट वाला, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो हाइड एंड फाइल एंड फोल्डर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जो टिक लगा है उसे आप अनटिक कर देंगे। तो जो भी हमारे वीडियो थे वो अब हाइड हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी वीडियो पड़े हैं यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। तो अब आप कहेंगे कि एक वीडियो को अगर हम उसमें डॉट लिखते हैं तो हमारे सभी वीडियो हाइड हो जाएंगे। नहीं, जिस वीडियो में आप जो वो डॉट लिखेंगे वही वीडियो सिर्फ आपका हाइड होगा। यहाँ पर हमारे जो दो वीडियो पड़े हुए थे तो मैंने दो वीडियो में दोनों में डॉट लिखा हुआ था, इसलिए हमारे दोनों वीडियो हाइड हो गए हैं। तो आप जिस वीडियो को हाइड करना चाहते हैं आप उसी में सिर्फ डॉट लगाएंगे। तो दोस्तों अब हमारे जो वीडियो ये हाइड हो गए हैं तो अब हम इसे कैसे लाएंगे, हमें यहाँ पर फिर से लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसी डॉट पर क्लिक करेंगे। इस पर जाने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए शो हाइड फाइल एंड फोल्डर, तो फिर आप इस पर टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद आपके जो वीडियो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो आ गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।